अरे लगता है ये लारी से नई गाड़ी है बिल्कुल। बिल्कुल नया गाड़ी टीआर पे है। ये रात के जो है 12:30 कुछ हो रहे हैं, ठीक जो है 12:30 हो गए, तो हम अपने जो है व्लॉग को जो है स्टार्ट कर लेंगे। तो नाइट का जो है ये पार्ट टाइम जो है व्लॉग है, देख सकते हैं पूरी रोड जो है खाली हो चुकी है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं पूरी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओला और एक मिनट मैं ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे ओला ऑन कर लेंगे हम यहाँ पे, और साथ में उबर भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम पूरा 0-0 होगा, यहाँ पे 0-0 दिख रहा होगा आपको, तो ओला ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओला ऑन हो गया हमारा, ठीक है, डिसमिस कर देंगे यहाँ पे। ये सारी जो है रोड क्लोज हो चुकी है, देखिए। ठीक है, ओला ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे फिर उबर भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो है 12:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक जो है कितनी अर्निंग होती है ओला में, ये सारे चीज़ें हम क्या करेंगे देखेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा क्या है डे वन है, सुबह यस्टरडे कल के दिन जो है मैं सारा जो है यूट्यूब मोटो व्लॉगिंग का जो है सेटअप कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो सारी चीज़ें क्या है उसमें बता चुका हूँ। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी है, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऊबर और ओला ये सारे चीज़ें क्या है ऑन करके रख लिए भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने राइड के लिए आगे बढ़े हैं। ये दिलसु नगर के एरिया में क्या है राइड बुकिंग्स जो है बहुत रहती है, राइड्स जो है बहुत रहती हैं, तो हम दिलसु नगर के एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से दिलसु नगर का एरिया हम जो है में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स मिलेंगे। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आप में से जो कोई भी ओला में, ऊबर में, इनड्राइव में, रैपिडो में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है दिलसुनर के एरिया में जाएंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर दिलसुनर का एरिया जो है, अभी जो मेन रोड आपको नज़र आ रही है, स्ट्रीट जो दिख रहा है आपको, मेन रोड जो दिख रही है, यहाँ पर आपको राइट साइड ज़्यादा आएंगे, और यहाँ पर क्या है महफिल होटल है, लेफ्ट साइड पे महफिल होटल है, यहाँ पे क्या है ज़्यादा पब्लिक भी रहती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे ऑर्डर का। ठीक है, उसके आगे जो है दोशे की बंडी रहती है, यहाँ पे क्या है रात भर जो है ये खुली रहती है आपको। ठीक है, ये नाइट टाइम में ही रहती है आपको, डे टाइम में नहीं रहता आपको। ठीक है, हम क्या है ऑर्डर कैसे यहाँ पर वेट कर लेंगे, जैसा ही हमको ऑर्डर आएगा ओला में तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाइट टाइम है, थोड़ा क्या है ऑर्डर्स भी कम रहते हैं इसके अंदर, तो हम ऑर्डर्स का वेट करेंगे जब तक कि ऑर्डर हमको पड़ने जाता। तो ओला में जो है हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट हो चुकी है, 156 की थी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, देख सकते हैं 156 की बुकिंग है, टाइम भी जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1:09, 12:30 बजे जो है शुरू करे थे, यहाँ पर राइड कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ओला में मेरी क्या है बुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, एक और बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप 35 रुपीज़ की बुकिंग है ये, देख सकते हैं टाइम हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप 1:24, और अर्निंग जो है मेरी यहाँ पर देखिए बुकिंग जो है ओला में जो है ज़्यादा बुकिंग्स है। ठीक है, ओला में जो बुकिंग्स है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बुकिंग क्या है ओला में है, एस आर नगर चौरसे से यूसुफगुड़ा जो है बस्ती में जो है हम ड्रॉप कर रहे थे कस्टमर। ऊबर में एक बुकिंग आई थी जो के 37 रुपीज़ की थी, एक एक बुकिंग आई छोटी आई, तो उसमें क्या करा मैं, ये भी कंप्लीट कर लिया अपन, रेटिंग स्टार दे दी यहाँ पे। एक और जो है ओला में बुकिंग हम कंप्लीट कर लिए 57 की, टोटल जो है ट्रिप ओला में जो है मेरे यहाँ पर, तो देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर जो है
बंजारा रिसोर्ट नंबर 10 से जो है एक बुकिंग लेके आए थे जो कि 120 रुपीज़ की है। और टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 3:13 हो रहे हैं, दिखाता हूँ आपको 3:13। और ये मेरी जो है 120 रुपये की बुकिंग है, कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे अपन, कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कंप्लीट। टोटल जो है 4 बुकिंग हुए और जो है अर्निंग जो है 381 की हुई। ठीक है, ऊबर में जो है मेरे कितने 2 बुकिंग हुए थे, ओला में 4, देख सकते हैं आप। टोटल ट्रिप जो है मेरे 5 हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर इंसेंटिव में देख सकते हैं, मैं टोटल ट्रिप जो है मेरे 5 हो चुके हैं, इंसेंटिव भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिख रहा है और यहाँ पर देखिए टाइम देख सकते हैं आप, ठीक आपको 5 बज गए हैं। बीच रोड में इन्हें जो है गाड़ी रोक दिया है इन्हें, ये क्या हो गया, अरे एक्सीडेंट हुआ था दिख रहा है यहाँ पे। अरे अरे अरे, नई गाड़ी है भाई। अरे लगता है ये लारी से, लारी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे अरे अरे, बिल्कुल जो है नया गाड़ी है ये, देख सकते हैं आप। इसका एक्सीडेंट हुआ वो उस वाली लारी से, वहाँ जहाँ लेफ्ट पे जो जा रही ना लारी, पूरा जो है डैमेज हो गया भाई। नई गाड़ी है बिल्कुल। बिल्कुल नया गाड़ी टी आर पे है। तो ये देख सकते हैं मेरी आखिरी ट्रिप है, जो 125 रुपये की है। ठीक है, ओला में जो है लेके आया था मैं, तो यहाँ कंप्लीट कर लेंगे इसको अपन। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सिकंदराबाद स्टेशन में हैं अभी हम, 6 बुकिंग हो गए कंप्लीट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं आप, 6:11 हो रहे हैं। ठीक है, आई होप कि जो है छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप में से जिस किसी को भी ओला उबर इंड्रा रैपिडो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट घर बैठे ज्वाइन हो सकते हैं। हमने ये वीडियो को जो है रात में 12:30 बजे जो है स्टार्ट किया था और जो है अब टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे ना, सुबह के 6:11 ठीक है। ये सिकंदराबाद स्टेशन का एरिया है, यहाँ पर क्या है बहुत हैवी ट्रैफिक रहती है, तो क्या है हमको देख समझ के यहाँ पर गाड़ी चलाना रहता है। ठीक है, बहुत हैवी ट्रैफिक रहती है यहाँ पर, ज़रा सोच कर समझ कर जो है गाड़ी चलाना रहता है। देख रहे हैं इतनी जो है ट्रैफिक है, कितना जो है दिक्कत, इतना जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा अपने को, देख सकते हैं आप। ऊबर में मेरे जो है लगभग 3 से 3 3 बुकिंग्स हुए हैं मेरे को, और एक बुकिंग आ रही है देखिए यहाँ पे, अंबर पेट बोल के जगह अपने को जाना है, ECL चरलापल्ली, चरलापल्ली जाना है। तो अपन और एक चीज़ क्या है, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो सर्दी के मौसम में क्या है दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, तो इसमें क्या है काम करने में भी जो है बहुत सारी जो है बेनिफिट हमको मज़ा आता है। ये सिकंदराबाद जो है क्लॉक टावर पासपोर्ट ऑफिस बोल के बोलते हैं इस एरिए को। ठीक है, थोड़ी दूर पे ही है सिकंदराबाद स्टेशन से, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने मंजिले मकसूद। हमारा जो है आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, देख देख रहे हैं आप, पैसा जो है लोग चला रहे हैं यहाँ पे, हेवी ड्राइवर्स बहुत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ देखिए बहुत से सारी जो है टैक्सियाँ जो है आपको खड़ी मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा टैक्सी ऑटो जो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सिटी के जो है कोने कोने से आकर पूरे जो है यहाँ पर एंड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रेन्स रहती हैं, यहाँ से ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये क्या है लेबर अड्डा है, क्लॉक टावर है, देखिए ये जो एरिया है क्लॉक टावर बोलते हैं इसको, सिकंदराबाद क्लॉक टावर बोल के बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर लेबर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और बस यहाँ पर जो है एक बस स्टॉप भी मिल जाएगा JBS के नाम से। ठीक है, तो अपना व्लॉग तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे जो है इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग।